स्वागत है आपका सने स्पीक्स में और मैं हूं दिव्यांशी। पंड्या स्टोर के एपिसोड की शुरुआत धवल के गिरने और बार बार नताशा से माफी मांगने से कहने के लिए होती है। मखवाना हैरान हो जाते हैं और डॉक्टर को बुलाते हैं। सुमन ने नताशा की व्याकुलता को नोटिस किया और उसे ईशा को उसकी पहली रसोई के लिए खाना पकाने में मदद करने के लिए कहा। नताशा अपनी उंगली काट लेती है और रोने लगती है। सुमन को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। अस्पताल में धवल की हालत खराब हो रही है और वकील नताशा को कानूनी नोटिस देते हैं जिसमें कहा जाता है कि उस पर संदीप का 45 लाख बकाया है। वहीं अंबा धवल की हालत के लिए नताशा को जिम्मेदार ठहराती है। प्रणाली नताशा को बताना चाहती है लेकिन अंबा मना कर देती है। चीकू को नोटिस का पता चलता है और पंड्या परिवार में तनाव पैदा हो जाता है। ईशा अपनी पहली रसोई के लिए खीर बनाती है। सुमन ने रकम चुकाने के लिए पंड्या हाउस बेचने का सुझाव दिया है। नताशा ने मना कर दिया है। धवल परेशानी में सड़क पर संदीप से मिलता है और उस पर हमला करता है। परिवार को कानूनी नोटिस के बारे में पता चलता है और शेष नताशा को दोषी ठहराता है। ईशा अंबा और मकवाना को स्थिति के बारे में बताती है। अमरीश ने नताशा से एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कराने का फैसला किया है जिससे उसे 45 लाख का भुगतने होने का मकवाना हाउस में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहीं एपिसोड के अंत में धवल को सड़क पर चक्कर आने के साथ होता है। वहीं आगे क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा।